नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल आज आप सभी के समक्ष दिवाली के ऊपर कुछ चर्चा करूंगी चूंकि दिवाली हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है दिवाली के लिए हम पूरे साल इंतजार करते हैं कि दिवाली कब आएगी कब हम बहुत सारी चीजें खरीद कर लाएंगे घर की और सजावट की और पूजा की इसके अलावा दिवाली पे नए नए कपड़े नए नए गिफ्ट्स सब हम लोग लाते हैं और दिवाली के आसपास हम लोग अपने घर के साथ सजावट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं यानी घर को कैसे सजाना है घर के लिए क्या क्या नया सामान लाना है घर के लिए कौन सी बंदरवार बंदनवार लानी है घर के लिए कौन से दिए लाने हैं कौन से क्या लाएं और मतलब रंगोली बहुत सारी तैयारी हम लोग करते हैं दिवाली से एक महीने पहले से दिवाली आती नहीं कि हम लोग शुरू हो जाते हैं एक महीने पहले से घर की साफ सफाई और सारे बाहर जो भी गंदी चीजें हैं घर की फालतू तो चीजें हैं उन सब को घर के बाहर निकालते हैं तो इसी के संग है ये हमारी चर्चा कि सिर्फ अपने घर की गंदी चीजों को ही बाहर ना निकालें बल्कि अपने मन के भी बुरे विचारों को बाहर करें जो दिवाली में हम साफ सफाई करते हैं तो पूरी तरह से हर तरह की सफाई करें और जैसे हम लोग बंदनवार लगाते हैं ना तो वो अच्छी अच्छी बंधनवार लगाए जिस पर कुछ अच्छे निशान हो स्वास्तिक हो और जो दीवारों पर कुछ लिखते हैं हम लोग तो उसमें हमें शुभ चिन्ह अंकित करने चाहिए शुभ चिन्हों से क्या होता है कि हमारे घर में शुभता आती है और कलश हो अच्छे से और अच्छे 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 शब्द लिखे जैसे राम का नाम तो जिससे क्या होता है कि हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है अपने निवास स्थान के बाहर की दीवारों और दरवाजों पर हमेशा शुभ चिन्ह अंकित करें अप्रिय शब्दों से लिखे हुए संवाद जैसे फालतू चीजें अगर लिखी हो तो उनको हटा दे दीवारों से जैसे राम जी जब अपने महल में प्रवेश कर चुके थे तो वासियों ने निवास को जिस ढंग से सजाया था तब तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कंचन कलश विचित्र सब ही धरे सजी निज निज द्वारे बंधनवार ताका केतु सभी बनाए मंगल हेतु सोने के कर्शो को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर, कर और सजा कर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और लगाई यह संदेश हमें मिलता है कि अपने घर के द्वार और दीवारों को खूब अच्छा वर्णन लिखा के रखना चाहिए यानी दीवारों पर बहुत अच्छा शुभ लिखा हो शुभ चिन्ह अंकित जैसे स्वास्तिक पद्म धनुष बाण, त्रिशूल, प्रबंधक के जानकर प्रबंधक प्रबंधन के जानकार लोग इसको अफेक्ट लेवलिंग कहते हैं अपनी भावनाओं को नियमित एक अर्थपूर्ण शब्द और दृश्य देना वही काम किया था अयोध्या के लोगों ने अपने घर के द्वार पर आंगन में कुछ ऐसा सजाया जिससे कि पूरा अयोध्या मन मोहित हो गया था और तुलसी का पौधा भी लगाया था तुलसी का पौधा भी हमें हमेशा अवश्य रखना चाहिए क्योंकि तुलसी के पौधे से आती है पॉजिटिविटी वायु जब बाहर से चलकर तुलसी के पौधे को स्पर्श कर हमारे घर में प्रवेश करती है तो इसका जो पॉजिटिव प्रभाव हमारे घर पर पड़ता है ना उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है तो जैसे हम दिवाली दिवाली क्यों मनाते हम लोग क्योंकि इस दिन रामचंद्र जी पूरे चौदह वर्षों का बनवास पूरा करके घर लौटे थे सीता जी को साथ लेकर उस खुशी में पूरा अयोध्या सजाया गया था पूरे अयोध्या में तोरण और बंधनवार लगाकर सारे जगह में दिए जलाए गए थे दिए दिए की लॉ ऐसी होती है है। है ना जो मन को हर्षित करती है। ऐसे भी का मतलब होता है अंधकार को हरना तो हम लोग अपने मन की हर तरह के अंधकार को हरे अगर हम किसी से रूठे हो किसी से कुछ बात हो गई हो या किसी से कुछ खफा है तो हम उन्हें माफ कर दें और उनसे भी दरख्वास्त करें उनसे भी कहें कि कृपया हमें माफ कर दे अगर हमने आपका दिल दुखाया है तो दिवाली से पहले पूरे मन को पूरे घर को हर चीज को इस तरह से सजाएं कि दिवाली के दिन आप बहुत ही खुशहाल खूबसूरत और शांतिपूर्ण नजर आए तो इसी के संग अपनी दिवाली को अच्छे से मनाइए और खूब अपने घर को सजाइए मंगल कलश लगाइए बंधनवार लगाइए अच्छे अच्छे और आजकल तो बाजारों में बहुत बहुत सुंदर सुंदर दिए बंधनवार और पटाखाए पटाखे और बहुत ही अच्छे अच्छे तरह के सुंदर सुंदर दिए मिलते हैं और हाँ एक बात है कि दिए मिट्टी के ही बने ले इससे क्या होगा कि मिट्टी के दिए एक तो हमारे भारत की शान है क्योंकि ये दिए हमारे घर ये भारत के जो भी किस, जो भी मिट, ये मिट्टी के जो भी उत्पादक लोग होते हैं वो लोग बनवाते हैं मतलब हमारे देश के बहुत ज्यादा यानी लोग इन दियो से अपनी कमाई लेते हैं मतलब वो लोग इस दियो को बेचकर अपना इतनी कमाई करते हैं कि उनकी दिवाली अच्छी मन सके तो मैं कहना चाहूंगी कि चाइनीज चीजों को हटाकर इस बार भारत के बने दिये को अपनाएं जो कि हमारे परंपरागत निशानी है हम लोग बहुत पुराने समय से ही मिट्टी के दिए जलाते आए हैं तो क्यों ना इस बार से हर बार हम लोग मिट्टी के दिए ही जलाएं उनसे उन, उन गरीब सभी को रोजगार भी मिलेगा और उनकी दिवाली भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आपको मिलेगा एक सुकून शांति का एहसास और हो सके तो उनको दिए की अच्छी कमाई दें यानी दिए वो जितने का बोले उतने में ही खरीदे उनसे कम ना करवाएं, भले ही आपको कम करना हो तो और चीजों में करवाएं, ताकि जो गरीब और लाचार लोग हैं, उनकी दिवाली भी बने इस बार खुशहाल और वो भी सचा, सजा सके अपने घर को बंधनवार से और खूबसूरत दियो से